हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनजी टिप्स को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न सूप। इसके लिए हमने एक भुट्टे को उबाल लिया है, स्वीट कॉर्न भुट्टे को। आधे भुट्टे के दाने को हमने मिक्सी में पीस लिया है। ये हमने आधे भुट्टे के दाने को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। सबसे पहले हमने इसमें नमक 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, वेजिटेबल्स में हमने बारीक कटी हुई गाजर, कुछ दाने भुट्टे के, स्वीट कॉर्न भुट्टे के, और 2-4 दाने स्प्रिंग अनियन हरे प्याज के लिए है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को दूध में मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हम यहाँ पर 2 बाउल सूप बनाने के लिए 1 ग्लास पानी को पैन में डाल के गर्म करने के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटा हुआ हरा प्याज, कुछ दाने भुट्टे के डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे। को हल्का सा ढक देते हैं पानी गर्म करने के लिए, ताकि इसमें उबाल जल्दी से आ जाए। ये देखिए पानी में उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें पिसा हुआ भुट्टा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूप को, ये सूप हमें अगर पतला लगता है, इसके लिए हमने कॉर्नफ्लोर को यूज किया है, ताकि सूप में गाढ़ापन लाया जा सके। यहाँ हम कॉर्नफ्लोर चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितना हमें गाढ़ा चाहिए सूप को, उतना हम धीरे धीरे करके कॉर्नफ्लोर को डालेंगे और चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। इससे सूप में, हमारे सूप में गाढ़ापन आ जाएगा। ये हो गया रेडी हमारा सूप। इसे 2 से 3 मिनट तक उबाल दीजिए। हो गए हैं, हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम सूप को बाउल में सर्व करने के लिए डालेंगे। ये देखिए हमारे सूप में गाढ़ापन आ गया है। आप अपने टेस्ट के अनुसार सूप को कम या ज्यादा गाढ़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया तैयार हमारा स्वीट कॉर्न सूप। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एनजे टिप्स। थैंक यू।